हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। तो हम लोग किलोमीटर ऑलमोस्ट आगे आ गए, 25 किलोमीटर उत्तर लई से और हैदराबाद की ओर जा रहे हैं। तो ऐसा मतलब थोड़ा इमोशनल मोमेंट हो गया तो वहाँ से व्लॉग नहीं बनाए और यहाँ बीच में आके सोचे अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारा रूट रहेगा यहाँ से आगे अहमदाबाद और वडोदरा, वापी, पुणे, थाने और ये सोलापुर, उससे पहले ये लोनावला भी आएगा। इस रूट से हम जाएंगे। तो अभी हमने प्लान नहीं किया कहाँ रुकना है और कैसे जाना है। तो जहाँ भी हमें लगेगा कि थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है वहीं रुक जाएंगे, चाहे सूरत हो चाहे वापी हो, या फिर हमें लगेगा नहीं कंटिन्यू करते हैं तो हम चलते भी रहेंगे। तो दोस्तों, ये अभी अच्छा जर्नी रहेगा, बीच में हम आपको दिखाते रहेंगे जैसे जैसे जो जो जगह आएगा किस तरह से हम जा रहे हैं। तो फिलहाल ये देखिए कैसे हमने एडजस्ट किया है चीज़ों को ताकि बच्चे आराम से यहाँ पे सो भी सके। देखिए हमने ये गद्दा उद्दा लगा लिया है और ये विदिशा सो रही है। कुछ सामान ज़्यादा हो गया था तो एडजस्ट करना पड़ गया इसी में, कि फाइनल हम लेके जा रहे हैं सारा सामान। और ये दोनों लोग आके बैठे हुए हैं अभी, वो आयुष इसमें गुस्सा के स्टेयरिंग के सामने बैठना है और चलाना है गाड़ी, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है इस रोड में। खैर, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको बताएंगे। हाँ दोस्तों, बारिश हो रही है धीमी धीमी, मौसम काफी अच्छा है और ये खिड़की खोलकर ही चला रहे हैं, काफी सही लग रहा है ड्राइविंग करने में भी, बहुत अच्छा मौसम है। और देखते हैं आगे, शायद गुजरात में इससे भी ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी हम राजस्थान में ही हैं, गुजरात एंटर करेंगे थोड़ी देर में। दोस्तों ये रोड है, अभी अब धोरी मन्ना की तरफ जा रहे हैं, बारमेर टू धोरी मन्ना राधनपुर। तो अभी 48 किलोमीटर है धोरी मन्ना। और ये देखिए, ये राजस्थान। फ्रेंड्स, धोरी मन्ना क्रॉस कर लिए हैं और अभी अहमदाबाद ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर है। तो हमने जर्नी स्टार्ट की थी 9 बजे, तो अभी बज रहे हैं 10:18 और हमने ऑलमोस्ट 85-90 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया है और धोरी मन्ना क्रॉस हो गया। अभी अहमदाबाद की ओर रूट कर रहे हैं दोस्तों। ये दोनों अपना एंजॉय कर रहे हैं, ये देखिए इनका सो गए। तो अभी अहमदाबाद पहुंचेंगे थोड़ी देर में, मस्त एकदम अहमदाबाद पहुंचना है। और देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं, आज खींचते रहेंगे जहां तक पहुंच जाएंगे, मन किया तो रात भर भी खींचते रहेंगे। मजे में कट गया था क्या? ये देखिए राजस्थान के कुछ सीन ही खिड़की से देखिए, मस्त एकदम सीन चल रहा है राजस्थान का। राधनपुर 194 किलोमीटर और अहमदाबाद भी है 300 के आसपास,
बढ़िया चल रही है गाड़ी, 100+ पे, और 1.5 घंटे होने वाले हैं चलते हुए। अब एक चाय का दुकान देखना है और वहाँ पे रुकना है, चाय पीना है, थोड़ा अलर्टिक स्टेट बनाना है अपना, चलते रहना बस। दोस्तों 4:30 बज गए हैं और अभी हम पहुंचे हैं मेहसाना। अभी भी अहमदाबाद से हम 76 किलोमीटर दूर हैं क्योंकि बारिश हो रही थी दोस्तों, इसलिए डिले हुआ थोड़ा, और अब लग नहीं रहा कि आज हम बहुत दूर तक जा पाएंगे। हाँ दोस्तों, ये मेहसाना है जो कि नरेंद्र मोदी का गांव है, काफ़ी अच्छा डेवलप किया हुआ है। काफ़ी ट्रैफिक भरा हुआ लग रहा है दोस्तों आज, और रोड भी बहुत सारा डाइवर्जन दिया हुआ है, इस चक्कर में काफ़ी डिले हुआ। अभी तक हम लोग मुश्किल से 300+ किलोमीटर चले हैं और बहुत ही टाइम से पीछे चल रहे हैं। तो ये देखिए, ये बच्चे भी हैं। फ्रेंड्स, अभी 9:45 बज गए हैं और अभी हम लोग वडोदरा पहुंचे हैं और अभी होटल देख रहे हैं, होटल में आज स्टे करते हैं नाइट स्टे और फिर कल आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये देखिए क्या बोल रहा है, मोटा मोटा है, दोनों थक गए हैं सब लोग, भूख भी लग रही है और बिल्कुल
12 घंटे की ऑलमोस्ट जर्नी हो चुकी है, इनको ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, लेकिन थैंक गॉड हम वडोदरा तक तो पहुँच गए। पहले लग रहा था कि अहमदाबाद ही रुकना पड़ेगा, पर थोड़ा सा रात में भी नेबुला नहीं चलते हैं, एटलीस्ट 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना ज़रूरी था, क्योंकि 1500 में एटलीस्ट हम 3 डेज में भी 500 के हिसाब से करें तो 3 दिन में कम से कम कवर हो जाएगा। कल हम कोशिश करेंगे ज़्यादा कवर करने का। तो अभी दोस्तों हम जा रहे हैं होटल, एक रेसिडेंट मेक माई ट्रिप में देखा है तो वहीं जाते हैं, इसके बाद वहाँ से अपडेट देते हैं आपको। ये वडोदरा है, बाकी ये देखिए वडोदरा का व्यू आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों वडोदरा है, ये हम अहमदाबाद का आउटर रिंग रोड होते हैं, अहमदाबाद एंटर नहीं किया है, महसाना के बाद अहमदाबाद का आउटर रिंग रोड टच करते हुए हम नेशनल एक्सप्रेस पे रहते हुए वडोदरा पहुँच गए, और 1 घंटे में हम अहमदाबाद पहुँचे, क्योंकि नेशनल एक्सप्रेस में हम ऑलमोस्ट 100 का स्पीड मेंटेन किए थ्रू आउट, तो ये एक प्लस पॉइंट है। ये देखिए होटल में आ गए हम, ये होटल अभी हमने मैक माई ट्रिप से बुक किया है, तो फ्रेंड यही होटल है, तो अभी इसमें हम जाते हैं चेक इन करते हैं। चलिए देखते हैं, चलिए होटल के अंदर चलते हैं और देखते हैं। फ्रेंड्स हमने कर लिया है चेक इन, ये देखिए होटल प्रेसिडेंट काफ़ी सही है, और ये देखिए ये बच्चे, तो काफ़ी बेड 4 लोगों के लिए हो जाएगा, आज रात यहाँ पे सो लेंगे। और ये देखिए अभिलाषा थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही है, रिलैक्स फील कर रही है, हाँ रिलैक्स फील कर रही है, नहाएगी धोएगी, और मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ क्योंकि कल फिर जर्नी करनी है। आराम से सो के उठेंगे फ्रेंड्स, फिर जाएंगे। मैं तो मास्क उतार ही लेता हूँ। अच्छा लिया है ना, देखो देखो ना कितना सॉफ्ट बेड है ये। आ हाँ।